हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आजाद मूवी का टीजर आ गया है, जो अजय देवगन की मूवी है। तो आज इसका रिएक्शन करते हैं, फिर रिव्यू देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। हल्दी घाटी में उस दिन एक तरफ महाराणा प्रताप की 8-9 हजार की फौज थी, तो दूसरी तरफ 40 हजार फौजी थे। लेकिन जो सबसे खास घोड़ा था वो तो खुद महाराणा प्रताप के पास था। हाथी जितना ऊंचा, मोर सी गर्दन, बिजली सी चाल, छलांग मारे तो पूरी घाटी लांघते पार कर जाए। नानी, हमें नहीं लगता हम अपना घोड़ा कभी ढूंढ पाएंगे। तो फिर वो तुम्हें ढूंढ लेगा। बहादुर योद्धा के पाछे हमेशा एक वफादार घोड़ा जरूर रहा है। टीजर देख के तो लग गया कि ये महाराणा प्रताप जी के जो घोड़े का नाम था आजाद, उन पे मूवी बनी है। और अजय देवगन अपने पुराने रोल में दिखे हैं, मतलब जैसे पहले वो दिखते थे योद्धा की तरह, वैसे ही उसमें भी एक्टिंग कराया उन्होंने। अजय देवगन के एक्टिंग पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते, वो हमेशा की तरह बेस्ट ही होते हैं। और ये बेसिकली महाराणा प्रताप के आजाद घोड़े पे ही ये स्टोरी बनी है, और ये पूरा स्टोरी लाइन उसी पे है। और इसमें दो नए एक्टर्स आए हैं, जैसे अमान देवगन और राहत हडानी। ये दोनों इंट्रोड्यूस किया गया है, इन लोगों की डेब्यू मूवी है। तभी इसका ट्रेलर नहीं आया, ट्रेलर आने दीजिए, फिर इसका रिव्यू करेंगे उस पर। बाद बाकी देख के, टीजर देख के तो सही लगा है, तो इसको तो रिकमेंड करना चाहिए कि आप लोग देखें। जब सिनेमा हॉल में आए तो आप लोग देखें, जरूर देखें। तो बाद बाकी चैनल लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। जय हिंद।